So hello, welcome back to my channel. Myself Gauri and yes, welcome back to my channel. And for today's video, I am so sorry. मैं पहले sorry बोलना चाहूँगी क्योंकि ना मैंने बहुत time से to be honest long videos बनाना छोड़ दिया है. But to be honest, बहुत कुछ चल रहा है अभी घर में. And trust me, आप अभी से subscribe कर लो क्योंकि आगे जाके ना बहुत interesting videos आने वाले हैं. Vlogs भी मैं start करने वाली हूँ. And yeah, तो मैं अपना पूरा personal life like जो भी like I am going to share everything with y'all. So yeah, and for today's video, वो सब साइड में रखते हैं. And for today's video, I am going to share my monthly favorites. तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है September, which is my birthday month. तो हम क्या आते हैं August. Okay, तो हम August like मैं I am going to share my August favorites. Like it's random, like कुछ भी इसमें like makeup नहीं है, skin care नहीं है, सब. I am going to share everything जो मेरा monthly favorite रहा है in August month. So yeah, now let's just get into the video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. मैं बहुत आके बंद कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, but video में आगे जाने से पहले don't forget to like, share and subscribe to my channel and now let's just get into the video. Like I said, कोई भी random होने वाला है, कोई भी like ऐसा skin care वगैरह ऐसे अलग अलग portion नहीं होने वाला है. So first is this, which is M Caffeine Naked एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब. तो ये है, टू बी ऑनेस्ट, इसका ना ये सेकंड डब्बा है. मैंने बहुत यूज कर लिया है मेरे घर में ना, स्पेशली मेरी दीदी एंड मुझे बहुत पसंद है ये. तो मैंने लाइक आपको दिखा ही दू, लाइक आपको ट्रस्ट होने के लिए. लुक एट दैट, कितना बड़ा होल गिर चुका है. तो इतना यूज कर लिया है मैंने. एंड ये बहुत जेंटल है, ये बॉडी स्क्रब है. इसका लाइक स्मेल भी बहुत अच्छा है, आप भी कर लो. इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. एक बार ना मैंने इसका ना बॉडी बटर भी आता है, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है. बट एक ही ब्रांड से मैं दोनों नहीं दिखाने वाले, दिखाना नहीं चाहती क्योंकि आई एम लाइक बहुत लोगों को लगता है लाइक मैं कभी कोई वीडियो देखती ना, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ. सबको ऐसे नीचे लाइक कमेंट्स रहता ही है कि स्पॉन्सर्ड, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियोज नहीं है. मैं आपको जस्ट बता रही हूँ. तो मैंने एक बार ना बॉडी स्क्रब लगा के बैठ गई थी एंड पापा वॉज लाइक क्या है, कौन क्या खा रहा है, ये स्मेल इतनी अच्छी खास से आ रही है. तो इतना अच्छा स्मेल आता है टू बी ऑनेस्ट. एंड ये बहुत जेंटल है, लाइक बहुत अच्छा है. डेड स्किन वगैरह भी रिमूव कर देता है. तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड मुझे नहीं पता ये कितने का रिटेल करता है. एंड दिस इज गोइंग फॉर 449 रुपीज. बट आई एम श्योर इसके ऊपर कोई ना कोई तो ऑफर चल रहा है, सभी प्रोडक्ट्स पे कोई ना कोई तो ऑफर चल रहा ही होता है. सो फर्स्ट प्रोडक्ट मंथली फेवरेट ऑगस्ट का इज दिस, विच इज बॉडी स्क्रब फ्रॉम एम कैफी. सो सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस. आई एम श्योर मैंने पहले भी लाइक बहुत बार शेयर कर लिया है. सो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड दिस इज गुड वाइब्स रोजहिप सीरम. तो ये कुछ बहुत अच्छा सीरम है एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया. इसकी 4-5 बॉटलें खत्म हो गई है एंड ये बहुत ही अच्छा है. एंड लाइक इसमें ज्यादा कुछ अच्छा लाइक इसमें स्मेल है, बहुत अच्छा स्मेल है. एंड ये बहुत लाइक अफोर्डेबल है. आई थिंक ये अंडर 200 रुपीज का आता है, बट ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा है. तो ये सेकंड प्रोडक्ट है. मेरे चैनल पे ना ये मंथली फेवरेट्स में ना रिचुअल हो गया कि एक प्रोडक्ट फ्रॉम बाय क्विंच का होना ही चाहिए. तो ये फेस वॉश है. मैंने पहले भी मंथली फेवरेट्स में एक फेस वॉश शेयर किया था, बट वो ये वेरिएंट नहीं है. एंड ये है शाइन कंट्रोल जेल फेस वॉश एंड विथ चिया सीड कैक्टस वाटर एंड बाबू. ये कुछ ऐसा है एंड इसके ब्रिसल्स भी अभी ये ना ये लाइक टू लुक एट दैट, ये पूरा ना खत्म हो चुका है. मैंने बस ये वीडियो के लिए बचा के रखा था जस्ट टू शो यॉल ये कैसा है. एंड इसके ब्रिसल्स भी लुक एट दैट, ये ब्रिसल्स के साथ आता है, बहुत सारे ब्रिसल्स है. एंड ये इतना जनरल फेस वॉश है टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे एंड मेरी दीदी को लाइक जो बहुत मेकअप वगैरह करते हैं, मेकअप मेरी दीदी नहीं करती बट मैं करती हूँ, बट हमको ना बहुत कम ऐसे फेस वॉश है जो लाइक सूट करता है. तो ये उनमें से है एक है एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत जेंटल है आपके स्किन के लिए, मेरे स्किन के लिए स्पेशली. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है आप आके बंद करके ये एक बार ट्राई करना, आई एम श्योर आपके लिए बहुत अच्छा है. इसके ना ये जो ब्रिसल्स है ना ये भी बहुत अच्छे, डेड स्किन वगैरह सब निकाल देना है. लुक एट दैट, इसके ऐसे ब्रिसल्स है, आई एम श्योर आपको दिख रहे होंगे. देखो जैसे ब्रिसल्स है, बहुत अच्छा है. बस निकालना है ऐसे, आपको ऐसे प्रेस करना है आ जाता है. आपको ऐसे ऐसे लाइक मसाज करना है, ज्यादा नहीं करना, लाइक ज्यादा प्रेशर से मत करना वरना हार्म हो सकता है स्किन को, स्किन इरिटेट हो सकती है. पर लुक एट दैट, इसमें कुछ भी नहीं बचा है. बस मैंने ये वीडियो के लिए स्पेशली ये बचा के रखा था. सो थर्ड प्रोडक्ट इज दिस, विच इज फ्रॉम क्विंच बोटैनिक्स. ब्यूटीफुल ब्रांड एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी. इसके ऊपर ना मैंने आई थिंक मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, अगर बनाया होगा तो मैं डेफिनेटली आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डेफिनेटली चेक करना. अभी लाइक अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना कि नॉर्मल ब्लैक आईलाइनर्स बहुत कम पहनते हैं एंड अभी बहुत ज्यादा ना ऐसे लाइनर्स बहुत लोग पहनने लगे हैं, विच इज अ कलरफुल लाइनर्स. अभी तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो मंथली फेवरेट्स में तो ये डेफिनेटली होना चाहिए. दिस इज एनवाईबी न्यू लॉन्च आई गेस 2 महीने होंगे हो गए होंगे. इज अ ट्रू मैट लिक्विड आईलाइनर, ब्यूटीफुल आईलाइनर, ब्यूटीफुल लाइन. एंड लुक एट दैट शेड, इतना अच्छा शेड है ये, बहुत अच्छा शेड है. एंड ये मेरे मंथली फेवरेट में होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन भी ऑन पॉइंट है. लुक एट दैट, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है एंड
इसमें सभी इसमें कुछ है ही नहीं कि जो आपको पसंद नहीं आना चाहिए, तो इसमें सब कुछ है. आई थिंक इसके ऊपर, हाँ आई थिंक क्या, इसके पहले वाला वीडियो ही इस पर है, पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है, तो डेफिनेटली मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली चेक करना, आई एम श्योर यू विल लव इट, आई एम श्योर. तो ये मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया था. आई एम श्योर आप में से एक दो जन को तो ये वीडियो हेल्पफुल होना ही चाहिए, ये नहीं मतलब लाइनर्स के ऊपर जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो फोर्थ या फिफ्थ आई एम नॉट श्योर ये कौन सा, बट दिस आर द लाइनर्स विच इज इन माई मंथली फेवरेट्स, ऑगस्ट मंथली फेवरेट्स में होना ही चाहिए. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटी विच इज सेटिंग स्प्रे विच इज फ्रॉम मास एंड इट सील द डील मेकअप फिक्सर. इट्स इज ड्यू फिनिश लॉन्ग लास्टिंग बच फ्रो. आई एम नॉट श्योर ये मैंने पहले कभी शेयर किया है कि नहीं, बट लास्ट मंथ में लाइक ऑगस्ट में इसे मैंने बहुत यूज कर लिया. इसके ऊपर हैज भी मैंने बहुत सारे ट्राई कर लिया. मेरे शॉर्ट्स चेक करना, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता फिर भी मेरे लाइक गौरी जादव सर्च करो एंड उसके बाद देखो बहुत सारे हैक्स मैंने भी ट्राई करना. लाइक अभी शॉर्ट्स मांगता ही है हैक्स, अभी वो चल रहा है इन ट्रेंड हैक्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे हैक्स वगैरह ट्राई करना, पर अभी चलते वही है तो करना ही पड़ेगा है ना, ट्रेंड के साथ तो चलना चलना ही चाहिए, तो ग्रो ऐसा होगा ना चैनल. तो या सो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट सेटिंग स्प्रे. एंड अगेन मार्स के प्रोडक्ट्स सभी अफोर्डेबल होते, तो मेक श्योर यू शुड चेक दिस सेटिंग स्प्रे, बहुत अच्छा लगेगा आपको. एंड लुक एट दैट पैकेजिंग, कितना लाइक ट्रेडिशनल वाइब देता है. आई नो ट्रेडिशनल मतलब ऐसे साड़ी वगैरह, आई एम नॉट श्योर आपको समझ रहा है तो आप समझ लो, तो ये कुछ ऐसा दिखता है. ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड ये जो क्लेम करता है ये सब वर्क करता है. तो या तो हम अभी लगा लेते हैं क्योंकि मैंने लगाना भूल गई थी, तो ये सेट कर देना है अच्छे से. बहुत अच्छा लाइक ग्लो दे देता है एंड ब्यूटीफुल सेटिंग स्प्रे. सो या सो दिस इज माई मंथली फेवरेट में, तो ये होना ही चाहिए. तो या दिस इज द सेटिंग स्प्रे विच आई लाइक. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉइस्चराइजर. आई थिंक मुझे एम्प्टी वीडियोस जल्दी बना देना चाहिए. सो दिस इज डॉट एन की विटामिन सी सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग डॉट एन की के. तो लाइक मुझे लगता है लाइक सबका ऐसा एक होता है ना कि इनमें ये स्पेशलिटी है, इनमें ये स्पेशलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है डॉट एन की का ऐसा होता होगा कि पैकेजिंग, लुक एट द पैकेजिंग, और इससे ज्यादा लुक एट द. एंड ऐसे आप इसे ओपन करोगे तो इसके ऊपर ऐसा कुछ आता है, बट वो नहीं है क्योंकि बार बार कौन घर पे, आई एम नॉट श्योर, वैसा वो कैप रहता है वो तो कहाँ चला गया. एंड लुक एट दैट कलरिंग, ये ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जिसमें ज्यादा फ्रेग्रेंस है, बट इसमें ना ऐसे ऑरेंज की स्मेल आती है. आई एम नॉट श्योर ऑरेंज है कि क्या है, बट ये कुछ ऐसा दिखता है. बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर टू बी ऑनेस्ट, मॉइस्चराइजर अच्छा कर देता है, बस इसमें ना एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज्यादा लाइक इसमें फ्रेग्रेंस है, मुझे पसंद नहीं है इतनी फ्रेग्रेंस, बट मॉइस्चराइजिंग के लिए जिस चीज़ के लिए ये बना है उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. एंड लाइक देख के तो पता चल जाना चाहिए कि मैंने इसे पूरा खत्म कर दिया, तो ये मेरा कितना फेवरेट है. तो या सो दिस इज दिस वॉज कितना नहीं पता नहीं मुझे कि ये कौन सा प्रोडक्ट था, नीचे गिर गया, बट या आई लव दिस मॉइस्चराइजर. तो अगेन आई लाइक मुझे ये सभी का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर इनमें से कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड हो देन चेक कर लेना इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम क्विंज बोटानिक्स एंड दिस इज अ फेस मिस्ट. अगेन बहुत अच्छा है, इट सेज इंस्टेंटली हाइड्रेट्स एंड रिफ्रेशेस स्किन. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है. अगर आपको थोड़ा भी ड्राई स्किन है लाइक मी, तो ये बहुत अच्छा है. जस्ट आप बाहर भी हो, आपको ज्यादा लाइक ड्राई ड्राई फील हो रहा है या फिर डिहाइड्रेट आपकी स्किन हो गई है, तो बस आपको ऐसा करना है थोड़ा सा शेक कर लो एंड जस्ट फेस पे लगा दो, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. आपका स्किन हाइड्रेट हो जाएगी. एंड या तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैंने इसे इतना खत्म कर दिया है घर पे बैठे बैठे, इससे ज्यादा मैं और क्या ही खत्म करूंगी यार, क्योंकि फैन एसी वगैरह तो है घर पे, तो इतना जरूरत नहीं पड़ती. बट आई थिंक इन समर्स ये आपके लिए बहुत सा ऑप्शन होने वाला है. तो या अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर ऑयली भी, जस्ट फॉर फन यू कैन चेक दिस आउट. अगेन आई डोंट नो ये कितने का रिटेल करता है, दिस रिटेल्स फॉर 399 विच इज अगेन अफोर्डेबल. तो या सो दिस वॉज दी पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट, बट अगेन मेक श्योर टू एक बार ट्राई कर लो यार, अच्छा लगेगा फॉर लाइक, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ फेमस हो जाता है, ट्रेंड में आ जाता है, तो ऐसा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है ना कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है, कैसे नहीं. तो या फॉर दैट पर्पज ये प्रोडक्ट एज पहले एक बैक स्टोरी दे दी, तो आपको पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्यों शेयर कर रही हूँ. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्लम बॉडी लविंग शॉवर जेल एंड इट्स इन दी वेर इन हवाइन अरुबा. तो एक ऐसा दिखता है, मैंने इसे तो ओपन नहीं किया है, बट ना मैंने पर्पल से कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो मुझे ना एक सैम्पल साइज का मिल गया था, यही सेम मिल गया था शॉवर जेल हवाइन अरुबा. तो वो छोटी सी बॉटल थी, वो भी कुछ 175 रुपीज की, बट उसके ऊपर लिखा था नॉट फॉर सेल. तो आई एम नॉट श्योर कि वो सेल के लिए है, ऑब्वियसली लिखा है तो नहीं होगा, बट इसकी स्मेल, ये अभी ओपन नहीं है, इससे स्मेल इतनी अच्छी नहीं है, बट वो बॉर्डर पता नहीं मेरी मम्मी ने फेंक दी होगी क्योंकि वो खत्म हो गई, बट इतनी अच्छी स्मेल है उसकी. मोस्टली आफ्टर शावर आई थिंक वो 2 से 3 घंटा आपके बॉडी पे रही हो, इतनी अच्छी है एंड बहुत रिफ्रेशिंग है. एंड
कभी कभी ऐसे फील होता है ना कि खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो मतलब खुद को स्पेशल फील कराने के लिए, या फिर ऐसी बहुत थकावट है तो उसे दूर करने के लिए आई एम श्योर ऐसे प्रोडक्ट उसी चीज़ के लिए बने हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस विच इज हवाई नुमा एंड लाइक वो खत्म हो गया तो मैं इसे जल्दी ओपन करने वाली हूँ, पता नहीं खत्म ये ओपन है कि नहीं, बट ये बड़ा वेरियंट है एंड दिस इट इज फॉर 380, बट वो था कुछ 170 या फिर 180 रुपीज़ के लिए, बट ट्रस्ट मी इनकी स्मेल बहुत अच्छी है बहुत। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम मेकअप कैटेगरी एंड दिस विच इज दिस इज अ प्लम काजल एंड इट्स अ प्लम नेचुरल नेचर या फिर नेचुरल स्टूडियो ऑल डे वेयर कोल काजल एंड दिस डिटेल्स फॉर 495, ओ इट्स एक्सपेंसिव। तो कुछ ऐसा दिखता है अगेन, ये दिन भर आप लगाओ ये बज लाइक हिलेगा नहीं जगह से, ये इतना अच्छा है एंड बहुत ही अच्छा है एंड लुक एट दैट, इतना शार्पन हो गया इसका मतलब मैंने इसे यूज़ किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा काजल पसंद नहीं हूँ, बट अभी फेस्टिव सीजन चल रहा था लाइक अभी गणपति वगैरह में, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है एंड या सो दिस इज दी काजल। अगेन आपको ज़्यादा आपकी वॉटरी आइज है एंड ऐसे कोई आपको चाहिए कि जो हिले ना जगह से फुल डे ऑल डे, तो मेक श्योर ये वाला ट्राई करना, यू लव दिस काजल। एंड दी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस अगेन, इसके ऊपर मैंने पूरा फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है एंड दिस आर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स अगेन एंड इट्स पॉपिंस लिप क्रेयॉन्स। तो ये कुछ ऐसी दिखती है, पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास इसके टोटल 4 या 5 शेड्स है, बट अभी मेरे पास 2 ही अवेलेबल है, लाइक पता नहीं बाकी के 2 किधर है। तो ये कुछ ऐसे हैं, तो फर्स्ट मैं आपको जस्ट बता दूँ, फर्स्ट शेड इज दिस ब्लशिंग न्यूड, तो आप इसे से एंड ये रिट्रैक्टेबल है तो इसको शार्पन करने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है कि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट शेड इज दिस ब्यूटीफुल शेड लुक एट दैट, बहुत ही अच्छे बहुत पिगमेंटेड है एंड एक बार लगा लोगे क्रीमी फिनिश है, बट थोड़ी देर में ये मैट फिनिश हो जाता है एंड जगह से हिलता नहीं है फुल डे। एंड सेकंड शेड इज दिस विच इज 01 पिंक अटैक, तो ये कुछ ऐसा पैकेजिंग ऐसी है अगेन, सो ये कुछ ऐसा दिखता है, लुक एट दैट ब्यूटीफुल एंड मैट शेड में हो जाता है तो जगह से हिलेगा नहीं है, तो उसके लिए तो परफेक्ट है। एंड आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर 299 या फिर 300 के आसपास, क्योंकि मार्स के लाइक आई सेड मार्स के प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगेन मेक श्योर आपको इसमें और भी शेड्स ट्राई करने हैं या फिर आपको लेने हैं डार्क शेड में भी, तो मेक श्योर मेरा वो वाला वीडियो डेफिनेटली ट्राई करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन पे दे दूंगी, आई एम श्योर यू विल लव इट। सो दिस आर दी नेक्स्ट अप प्रोडक्ट्स, लुक एट दैट। एंड अगर आपको बाहर जाना है ना तो कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं, बस ले लो ऐसे ट्विस्ट करो लगा लो बंद करो एंड रख दो, दैट्स इट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस आर दी स्वॉचेस, ब्यूटीफुल स्वॉचेस, तो ये ऐसे ही इन पर्सन दिखते हैं ब्यूटीफुल। ओके तो लास्टली नहीं तो लास्ट 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मंथली फेवरेट्स में। तो आई एम नॉट श्योर अगर आप के ड्रामा या फिर सी ड्रामा दैट इज चाइनीज ड्रामा आप देखते हैं कि नहीं, बट अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली लाइक आई शेयर। मेरा लास्ट मंथ में ना तो मेरे 2 फेवरेट 3 फेवरेट है, फर्स्ट के ड्रामास तो मैंने बहुत सारा देख लिए हैं, के ड्रामास एंड के पॉप पे तो मेरी लाइफ अभी जिंदा है टू बी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल भी लाइक ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ, बट मैं आई एम सो इनटू के ड्रामास एंड चाइनीज ड्रामास, मुझे बहुत पसंद है। तो के ड्रामा में के लिए फर्स्ट इज अ बिग माउथ, आई एम श्योर मैं उसका लाइक फोटोज या फिर कहीं ना कहीं तो पॉप हो जाएगा स्क्रीन पे, ब्यूटीफुल ड्रामा एंड या डेफिनेटली वो वाला देखना अगर आप के ड्रामा देखते हो, आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड सेकेंड वॉज वेबटून, मुझे उसका पूरा नाम अभी याद नहीं है, बट वो भी बहुत अच्छा है। आई डोंट नो उसको इतना रीडिंग्स क्यों इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे इमोशनल ड्रामास बहुत अच्छा लगता है एंड कोई ऐसे मोटिवेशन देता ना कि लाइक डू इट लाइक वो वैसा है वो वाला ड्रामा। लाइक एंड चाइनीज ड्रामा में तो एक है इमोटल्स सम सारा, आई एम नॉट श्योर सम सारा ऐसे ही है कि नहीं, बट इमोटल्स सम सारा ओ माई गॉड इतना फेवरेट है मेरा, वो अभी भी चल रहा है लाइक बहुत अच्छा है एंड डेली उसका एक एपिसोड आता है, तो वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रात को उसे पूरा सब खाना पीना होने के बाद डेफिनेटली वेट लाइक सोते समय मैं वो देखती हूँ। 2 एपिसोड डेली आता है तो एक एक दिन में मुझे वेट करना नहीं पड़ता है, बस सैटरडे संडे नहीं आता है। अगर आप चाइनीज ड्रामा में हो लाइक आप देखते हो तो डेफिनेटली वो वाला देखना, आई एम श्योर यू विल लव इट। इज लव बिटवीन फेरी एंड अ डेविल, ओ माय गॉड मुझे इतना पसंद है, मुझे ना ऐसे ड्रामा पसंद जिसमें ना ऐसे मैजिक वगैरह होता है, ऐसे आप ऐसे करो तो वो उड़ जाते हैं, मुझे लाइक मुझे तो वैसे ही पसंद है, लाइक बोला नहीं चाइल्डिश है वगैरह, मुझे तो वैसे ही पसंद है, मैं तो वही शेयर कर रही हूँ अगेन, मैं तो देख के बता रही थी आपको। तो या तो मुझे वो वाला बहुत पसंद है एंड आई थिंक मेरा भी वही बहुत फेवरेट है, लाइक सीड लाइक के ड्रामा तो मैंने बता दिया, बिग माउथ एंड वेबटून बहुत अच्छा है वो वाला, एंड चाइनीज ड्रामा मैंने वो भी शेयर कर लिया कि इमोर्टल्स संसारा एंड लव बिटवीन फेरी एंड डेविल। एंड मैं आपके साथ एक झुमके शेयर करना चाहूँगी जो मैंने मंगाया था शॉपसी से, बट मुझे फ्लिपकार्ट का आई थिंक फ्लिपकार्ट का ही है वो शॉपसी ऐप, तो उसमें से मैंने झुमके मंगाए थे, मुझे बहुत अफोर्डेबल दिख गए थे एंड आई वाज लाइक ऐसा आएगा कि नहीं आएगा ना, लेट्स चेक।
तो ये कुछ ऐसे झुमके हैं एंड ये आए थे सिर्फ 151 रुपीज, मुझे अभी तक याद है, फिर 150 रुपीज में। तो कुछ ऐसे दिखते हैं झुमके, लुक आता है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड मैंने इसे बहुत बार ही वेयर कर लिया है, लाइक ऑन कैमरा है फिर लाइक यहाँ पे नहीं, बट इन पर्सन मैंने बहुत बार इसे यूज कर लिया, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, लुक आता है, मैंने जस्ट दिखाने के लिए ऐसे ही रखा है एंड इनकी कलर्स भी बहुत अच्छी है एंड अभी तो फेस्टिव सीजन चालू हो गया उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो या तो कुछ ऐसे दिखते हैं ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट एंड या तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड अगेन लाइक आई सेड ये बहुत अफोर्डेबल है, 150 या 151 के अराउंड मुझे मिल गए थे। तो अगेन इसकी भी लिंक मैंने बहुत बार ट्राई किया था देने का, मैंने एक बार इसे शॉर्ट्स पे आई थिंक मैंने इसे शेयर कर लिया है, आई एम नॉट श्योर, बट लिंक नहीं आता है, पता नहीं क्यों यार, एक मॉडल नंबर या मॉडल नेम आता है, तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी। तो आई थिंक दैट वाज इट, मैंने आई थिंक सभी से शेयर कर लिया है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो, आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, हेल्पफुल क्या, थोड़ा भी अच्छा लगे, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, पूरा फ्री है, फ्री है, फ्री है, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगेन, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पॉप हो जाएगा एंड या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।